जय श्री कृष्ण। आज हम एक दृश्य देखते हैं जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर वापस लौटते हैं। पूरी वानर सेना श्री राम के पास आने लगी है। लक्ष्मण जी उत्साहित से होते हुए बोले, देखो भैया ये शोर, लगता है वानर सेना भाभी का पता लगाकर आ गई है। उदास मुख पर सहसा खिंच आई मुस्कुराहट के साथ श्री राम बोले, हाँ इनकी आवाज की ये प्रसन्नता तो यही दर्शा रही है। श्री राम की जय, माता सीता की जय, जय सिया राम के जयकारे लगाते हुए सभी रघुवीर के पास आए और सुग्रीव जी हर्षातिरेक के साथ बोले, प्रणाम प्रभु, माता सीता का पता चल गया है प्रभु। अनचाहे ही आंखों में छलक आए जल को छुपाते हुए से श्री राम बोले, आपका बहुत आभार कपिराज, कहाँ है सीता? माता यहाँ से दक्षिण की ओर एक द्वीप पर हैं, जहाँ राक्षस राज रावण का राज है, वही उनका हरण करके ले गया था। अब हमें एक पल की भी देर नहीं करनी है, हम तुरंत प्रस्थान करते हैं। एक बार को रघुनंदन के मस्तिष्क में वो दृश्य खिंच आया कि रावण कैसे सीता का हरण करके ले गया होगा। बोले, किंतु उस द्वीप पर जाने के लिए तो बीच में विशाल समुद्र को लांघना पड़ता है, क्या आपकी सेना इतनी समर्थ है? नहीं रघुवीर, सेना क्या, इतने विशाल समुद्र को लांघकर वापस आने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है। ये कार्य सिर्फ हनुमान जी के बस का था, वे अकेले ही लंका गए और माता से मिलकर उनका पता लगा कर आए। हनुमान जी कुछ संकुचित से हाथ जोड़े हुए नीचे की ओर देखते हुए से एक ओर खड़े हैं। हल्की सी नजर उठाकर उन्होंने देखा तो श्री राम ने आंख से इशारा करके अपने पास बुलाया। वे पास आए और चरणों के पास ही बैठ गए। आज्ञा प्रभु, रुंधे से कंठ से श्री राम बोले, क्या तुम सीता से मिले हनुमान? कैसी है वो, मुझे याद कर रही थी? क्षमा करें नाथ, किंतु आप ऐसा पूछ भी कैसे सकते हैं कि क्या वे आपको याद कर रही थी? जिनकी याद में वे स्वयं को भूल चुकी हैं, जिनकी याद के सहारे सांसें चल रही हैं, जिनकी याद उन्हें दिन को चैन और रातों को सोने नहीं देती, जिनकी याद उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु बन कर बह रही है, और आप पूछ रहे हैं क्या वे आपको याद करती है? आप ही तो उनका जीवन है, आपका ही नाम ले लेकर एक एक पल व्यतीत कर रही है। श्री राम की आंखें भर आईं, तुमने पहचाना कैसे उसे? मैं क्या पहचानता भला, आपकी दी हुई मुद्रिका को उन्होंने पहचान लिया। चूड़ामणि निकालते हुए हनुमान जी बोले, और ये चूड़ामणि दिया है उन्होंने कि आप इसे पहचान लेंगे। श्री राम चूड़ामणि हाथ में लेकर बोले, हाँ ये मैंने पहले मिलन के दिन दिया था उसे। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है हनुमान, मैं तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त करूँ? तुम भाई भरत की तरह ही प्रिय हो मुझे, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, तुम्हारा उपकार कैसे चुकाऊँ? हनुमान जी व्यथित से होकर चरण पकड़ते हुए बोले, सेवक भला स्वामी पर उपकार कर सकता है? मुझे ये सेवा का अवसर मिला तो मैं धन्य हुआ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सदा आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा करता रहूँ। मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपका होकर जीना चाहता हूँ, बस यही आशीर्वाद दे दो मुझे। रघुनाथ मुस्कुरा दिए और हनुमान जी के मस्तक पर हाथ फेरने लगे। हनुमान जी बोले, एक बात और। बोलो। गदगद कंठ से वे बोले, लंका में रावण का एक भाई है विभीषण, वो आपको बहुत चाहते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, उन्होंने माता की खोज में भी मेरी सहायता की है। राम मुस्कुराते हुए बोले, जब उन्होंने तुम्हारा मन जीत लिया तो मेरा भी जीत लिया है हनुमान। और हनुमान जी की आंखें भर आईं, कुछ सम्मान में, कुछ आभार में, कुछ प्यार में।
बोलो राम मय हनुमान जी की जय, बोलो भक्त विभीषण जी की जय, बोलो करुणा निधि सियावर रामचंद्र की जय।